अलावा उन्होंने लोगों से कहा कि बुजुर्ग विशेष ख्याल रखने का आह्वान किया। वार्षिक अधिवेशन हिमालय कल्चर सेंटर देहरादून में इसका किया गया था। इस अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव झा ने बताया कि इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 1,500 प्रतियोगी प्रतिभाग कर रहे हैं और 9 देशों के डेलीगेट्स भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति पर विभिन्न शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना है एवं उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी का प्रचार प्रसार करना है ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता को फिजियोथेरेपी का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पूर्ण भरोसा है। What is the center of gravity? Center of gravity is... मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो फिजियोथेरेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये देवभूमि के अंदर हुई है। मुझे जब मैं गहराई से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी और हमारी वैदिक, हमारा पुरातात्विक, हमारा सभ्यता का जो आयुर्वेद, योगा, मर्म है, उससे बहुत मिलती जुलती है। अभी पूरे मानवता ने, पूरे विश्व ने एक सबक सीखा है COVID-19 की महामारी से कि किस प्रकार हमको हेल्थ को एकदम प्रायोरिटी करके रखना पड़ेगा। हम तो सब आपस में बोलते हैं कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ, लेकिन किस प्रकार अपनी बॉडी का, अपनी फंक्शनैलिटी का, अपनी मोबिलिटी, बदन किस प्रकार चलता रहे, इन सब के किस प्रकार कार्य करें। हम सब ने आज मिलकर एक संकल्प लिया है कि हमको फिजियोथेरेपी के इलाके के अंदर में रिसर्च, शोध, किस प्रकार हम टेक्नोलॉजी से मिलाएं, किस पर एविडेंस बेस्ड रिसर्च करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के जितने भी फिजियोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी और क्षमता है वो बहुत गहरी है। मैंने आज उनसे सबसे रिक्वेस्ट भी किया कि दे मस्ट अंडरस्टैंड द सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ वर्थ। पूरी दुनिया के लोग, पूरी मानवता 7.9 बिलियन वांट्स टू कम टू इंडिया एंड वांट्स टू नो अबाउट आवर फिजियोथेरेपिस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पूरे मानवता के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी हेल्थ के विषय में हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होना चाहिए, हमारी बायोरिदम किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार हमको अपना व्यायाम करना चाहिए। कंट्री से डेलीगेट्स आए हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जापान, सिंगापुर, तो बहुत सारे जगह से आए और इसके अलावा सारे स्टेट से, इंडिया के सारे राज्यों से डेलीगेट्स आए। 2000 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन है और इसकी सबसे बड़ी बात है, इस अधिवेशन का मेन उद्देश्य हमारे समाज में मरीज ना बने लोग, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी की बात, अभी गवर्नर साहब भी वही बात कह रहे थे और मैं भी यही बात कह रहा था कि माननीय मोदी जी ये कह रहे हैं बार बार कि हम फिट इंडिया की तरफ बढ़ें, और हम फिट इंडिया की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब हम बीमार ना पड़े। और अगर हमें बीमार नहीं पड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें। और आपको ये ध्यान होगा हमारी वैदिक सभ्यता में, और जो सर्जरी के गुरु माने जाते हैं, चरक संहिता जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी समय जब आप बीमार पड़ते हो तो आप शरीर में दवाइयों और सर्जरी के पहले आप एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है आपका ठीक करने का। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी इंडिया में बढ़ेगी, हम माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे और हम इस बात में सदैव लगे हुए हैं कि हमारा समाज स्वस्थ कैसे बनेगा और हमारा समाज बीमार कैसे नहीं पड़ेगा। हम जरूर इस बात को लगाएंगे। आपकी ये बहुत सही सजेशन है और हमारी पूरी टीम जो हमारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के बाहर से भी है, हम इस चार धाम यात्रा में हम अपनी तरफ से जगह जगह पर इस कैंपों को। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई जिसमें चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव संबंधी कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी चुनावी जनसभाओं के अलावा सम्मेलनों का खाका भी तैयार किया गया। वहीं बैठक से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज प्रचार वाहन को भी रवाना किया। इस वाहन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दुष्यंत कुमार गौतम और महेंद्र भट्ट ने भाजपा महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं का फायदा लोगों को मिल सके, इसके लिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया है।
थोड़ा नीचे रखो, चेहरा नहीं आ रहा। प्रदेश की चुनाव प्रबंधन के बाद लोकसभा आयुक्त चुनाव प्रबंधन की समिति की हमारी बैठकें हैं। आज टिहरी लोकसभा की बैठक थी, इसमें हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे और प्रत्येक बूथ तक की रचना किस रूप में खड़ी हो उसकी पूरी रचना जानकारी दी गई है। अभी जिला अध्यक्ष और हमारे जो लोकसभा के संयोजक हैं, विधानसभा संयोजक हैं, उनके साथ बैठक होने वाली है, उसमें भी कार्यक्रम आगे की रचना बनाएंगे। हमारी मशीनरी है, अपनी मशीनरी को मोबिलाइज कर रहे हैं और मशीनरी जाके चुनाव के दौरान में जानी है। सभी लोगों के जो प्रबंधन में काम होते हैं, सभी प्रबंधन के बारे में मॉनिटरिंग की गई है। सभी लोग आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का सपना आने वाला 10 अक्टूबर का उत्तराखंड का होगा उसको। केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री एवं नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट को भारतीय जनता पार्टी से दोबारा टिकट मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जिसको लेकर उनके संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। एक कार्यक्रम के तहत सांसद अजय भट्ट का जसपुर क्षेत्र के गढ़ीनेगी जाते वक्त पन्नू फार्म पर एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने परगण सिंह के नेतृत्व में अजय भट्ट का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर फिर से विश्वास जताया है और नैनीताल उधम सिंह नगर जनपद की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर से वे जीत हासिल करेंगे। हर एक को यही तो कह रहा हूं कि जो आपकी बार 400 पार लोग कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं आपकी बार 6,00,000 पार एक एक सीट पर, कहीं कह रहे 10,00,000 पार। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ से उठ रहा है, दिल से हृदय से बोल रहे हैं। इतनी देर में रात के 10, 10, 11, 11, 12 बजे तक कार्यकर्ता खुद ही झंडा लेके खड़े हो रहे हैं और नारे उत्साह से लगा रहे हैं। आवाज से पता लग जाता है कि दबी आवाज है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या दिल से जोश से कर रहे हैं। जोश और खरोश देखिएगा, ये वास्तव में इस बार 400 पार। मैं सबसे पहले आप जी का स्वागत करता हूं, न्यूज चैनल वालों का, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमारे पन्नू फार्म में आप पहुंचे। और मैं यहां पर जो है अजय भट्ट जी का स्वागत कर रहा हूं अपनी पूरी फुल टीम के साथ में। मैं बहुत खुशी व्यतीत करता हूं कि हमारे अजय भट्ट जी को दोबारा टिकट मिली है। मैं उनकी जीत की आशा करता हूँ। उसके बाद हम गढ़ीनिकी जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अगले ही दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। मनीष खंडूरी को मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी, भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर मनीष खंडूरी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड का कोई विकास कर सकता है तो वे भाजपा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस के साथ दूसरे दलों के नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के पुत्र और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के भाई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, महेंद्र भट्ट जी को, गौतम जी को कि और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण को कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी है। जो मेरे कारण थे वो बड़े साफ हैं। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूँ। मेरी कोई टिकट की मांग नहीं है, मेरी कोई पद की मांग नहीं है। मैं सिर्फ काम करने आया हूँ और मेरा ये मानना है कि आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो इस देश को, इस प्रांत को आगे ले जा सकती है, ये हकीकत है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जा सकती है। मैं चुनाव लड़ने की कोई बात ही नहीं हुई है, टिकट की बात ही नहीं हुई है, ना मैं मांग रहा हूँ ना मैं दावेदार हूँ। देखिए, मनीष जी एक सौम्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और उनके परिवार का तो भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा योगदान है। जनरल साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र हैं, उनकी बहन विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारी कार्यकर्ता हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज मनीष जी के आने से एक जो थोड़ी कमी थी वो भी दूर हुई और जनरल साहब के बाद अपने माननीय खंडूरी जी का योगदान भी, मनीष जी का योगदान भी उसी दिशा में। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे छोटे साहब को बताई जा रही 5 गारंटी पर। कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी को बचाने की गारंटी जनता को देनी चाहिए।
टिहरी के हमारे प्रभारी हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी को बचाने की गारंटी दे दे जनता को, जो स्थिति आज पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, इसलिए इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। कांग्रेस की गारंटी के बारे में पूरे देश को पता है। मोदी जी बोलते हैं वो गारंटी की भी गारंटी है, और जो बोल रहे हैं उनसे बोलो जरा हिमाचल में करके दिखाएं, कर्नाटक। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।